हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट सीजी बोर्ड चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 अर्थात अध्याय 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है। ओके, इसके पश्चात हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके, एलिमेंट्स अर्थात तत्व, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स या तत्व किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व या एलिमेंट्स कहलाता है। ओके, पीरियोडिक से तात्पर्य क्या होता है, आवर्ती। आवर्ती से तात्पर्य क्या होता है, पुनरावृत्ति। था किसी भी जो कंपोनेंट्स या फिर किसी भी गुणों का क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, उसको क्या कहते हैं, आवर्ती, पीरियोडिक या फिर पुनरावृत्ति कहते हैं। क्लासिफिकेशन से तात्पर्य क्या होता है, वर्गीकरण अर्थात बांटना, अर्थात अलग अलग भागों में विभाजित करना। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ओके, तो ओवरऑल हम लोग इसको कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, तो हम लोग जानेंगे कि तत्वों की गुणों के आधार पर समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों का वर्गीकरण। अर्थात इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों का क्या होता है, वर्गीकरण, अर्थात किस प्रकार से उसको वर्गीकरण किया जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ नहीं आया होगा, तो चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं नियान। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1 से 10 तक एलिमेंट लिया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं नियान। ओके, तो इन सभी का जो एटॉमिक नंबर होता है अर्थात जो परमाणु क्रमांक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अर्थात 10 तक होता है। ओके, ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं क्या करता है, वह अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होता है, यह ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट होता है अर्थात समूह फर्स्ट का एलिमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या होता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है। कितना का होता है, तो ग्रुप 18 अर्थात समूह 18 का तत्व होता है। ओके, इसी प्रकार से जो बाकी एलिमेंट्स होता है वह भी क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा क्या अर्थात अलग अलग ग्रुप के द्वारा बिलोंग करते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो तत्व का गुणों के आधार पर क्या होता है, बार बार क्या होता है, पुनरावृत्ति के कारण उसको गुणों के प्रदर्शित करने वाले के कारण उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। अर्थात तत्व की गुणों के आधार पर समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों का वर्गीकरण। ओके, तो जैसे कि हम लोग ग्रुप फर्स्ट से, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स के नाम लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट अर्थात समूह 1 के एलिमेंट होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, समान गुण होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट की बात करें तो चलिए मैं यहीं पर डिनोट करूँ, ग्रुप 18 के एलिमेंट की बात करें तो जैसे कि 18 का जो एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जिनान हो गया, इसी प्रकार से रेडान हो गया, ये सभी क्या होता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट होता है। ओके, तो जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है इसमें क्या होता है, अलग गुण होता है। ठीक इसी प्रकार से जो ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है इसका गुण अलग होता है। तो आप इस प्रकार से क्या होता है, गुणों के आधार पर इसको क्या है, वर्गीकृत किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, मैटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। स्वाभाविक सी बात, हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें एलिमेंट्स अर्थात तत्व, कंपाउंड्स अर्थात यौगिक एवं मिक्सर अर्थात मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ओके, अब चलिए समझते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ओके, एलिमेंट्स अर्थात तत्व, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स अर्थात तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व या फिर एलिमेंट्स कहलाता है। ओके, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि सिल्वर हो गया, SILV या सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से गोल्ड हो गया, सोना हो गया, इसी प्रकार से आयरन हो गया,
इसी प्रकार से ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और क्या होता है एटसेट्रा, अर्थात ये सभी क्या होता है एलिमेंट्स अर्थात तत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है लोहे की कील। ओके, तो जो लोहे की कील हो किस आई मीन जो लोहा किससे मिलकर बना होता है, तो वह होता है आयरन अर्थात लोहे के द्वारा मिलकर बना होता है, जिसको क्या है एफ ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अर्थात आयरन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि लोहा क्या होता है एलिमेंट तथा तत्व तो होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ओके, ठीक। इसी प्रकार से हम कंपाउंड्स की बात करते हैं अर्थात यौगिक क्या होता है, तो चलिए यौगिक के बारे में समझते हैं। जब दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों की एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे कंपाउंड्स या यौगिक कहता है। ओके, तो यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होता है तत्व के परमाणु आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही कंपाउंड्स या फिर यौगिक कहता है। ओके, तो जैसे कि यौगिक के एग्जाम्पल लिए, जैसे कि वाटर हो गया अर्थात जल, जो कि क्या होता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बनता है, जो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल एवं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है जल का निर्माण करता है। इसी प्रकार से एनिसील हो गया, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, यह भी क्या होता है सोडियम एवं क्लोरीन की क्या है एक निश्चित अनुपात से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ओके, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए वाटर लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाटर। ओके, तो वाटर किसके द्वारा मिलकर बना होता है, तो वाटर क्या होता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एलिमेंट्स के द्वारा मिलकर बना होता है। ओके, तो जैसे कि ये इसका फॉर्मेट करें तो जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑक्सीजन के क्या है H2O के निर्माण करता है, परंतु ये जो रिएक्शन है यह संतुलित है क्या? नहीं। ओके, तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की क्या कर लेते हैं दो मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है दो परमाणु के रूप में होता है, तो आप ये क्या होता है मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, तो वो क्या है दो परमाणु के रूप में होता है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के दो परमाणु लेते हैं, तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन का फोर परमाणु लेना पड़ेगा, तो टू एच टू प्लस ओ टू के साथ क्या होगा टू एच टू, अर्थात हाइड्रोजन का दो आई मीन चार संख्या आई मीन हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहाँ पर चार है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है दो है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि वाट इज कंपाउंड्स मिक्सर्स अर्थात मिश्रण। तो चलिए समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को मिलाने पर एक प्रकार बनता है आई मीन एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे मिक्सर्स या मिश्रण कहता है। ओके, तो मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है मिश्रण या फिर मिक्सर्स कहलाता है। जैसे कि हवा हो गया अर्थात एयर, एयर में क्या बहुत सारे जो एलिमेंट्स होता है वह उपस्थित है। ठीक, इसी प्रकार से हम रेत की बात करें तो रेत में भी क्या होता है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि रेत में क्या होता है बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर ओके, तो ब्लैक स्टोन जैसा दिख रहा है अर्थात काला पत्थर जैसा। ठीक, इसी प्रकार से में क्या होता है बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं क्या होता है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है अर्थात उसमें मैग्नेटिक गुण होता है। ठीक, ऐसे के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है लौह गुण पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है रेत में भी क्या होता है बहुत सारे कंपोनेंट क्या होता है मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या करते हैं मिश्रण अर्थात मिक्सर्स कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को तत्व यौगिक एवं मिश्रण एलिमेंट कंपाउंड्स एवं मिक्सर्स समझ आएगा। ओके, तो इसमें आप लोग सिंपल भी याद रखिएगा कि जो तत्व जो एलिमेंट होता है वह एक परमाणु से मिलकर बनता है, जो एलिमेंट होता है वह दो या दो से अधिक परमाणु के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बनता है, और जो मिश्रण होता है क्या होता है दो या दो से अधिक परमाणु के तत्व से मिलकर दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु से मिलकर बनता है, जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता उसको मिश्रण कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड वी ऑलवेज क्लासीफाई सबस्टेंस इन दिस वे, आज इन्हें जिस प्रकार से वर्गीकृत किया गया क्या वर्गीकरण का स्वरूप पहले भी ऐसा ही था? ओके, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। टेक द केस ऑफ एलिमेंट्स, द हिस्टोरी ऑफ एलिमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड विच सबस्टेंस वर एलिमेंट्स एंड विच वर नॉट। ओके, तो इस प्रकार से यदि हम तत्व को ही देखें तो क्या है किसी भी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में क्या है बहुत ही लंबे समय लगा, जिसका इतिहास काफ़ी रोचक है। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि कोई भी एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें या फिर कोई भी अदर एलिमेंट की बात करें, तो इसका जो इतिहास में काफ़ी रोचक है था उसको क्या जानकारी प्राप्त करने में बहुत ही लंबा समय लगा। ओके, एलिमेंट्स देन एंड नाउ,
तत्व तब और अवतार, तत्व प्राचीन स्तंभ में और अब। ओके तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर एरिस्टोटल 384 to 322 BC द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स नेमली फायर वाटर एयर अर्थ एंड ईथर। दार्शनिक अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु जिसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ओके तो दार्शनिक अरस्तु के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व? फायर अर्थात अग्नि, वाटर अर्थात पानी, एयर अर्थात वायु, अर्थ अर्थात पृथ्वी एंड इतर अर्थात आकाश। ओके तो इसी प्रकार से आप लोगों ने एक श्लोक भी सुना होगा, चिति जल पावक गगन समीर, अर्थात जो ब्रह्मांड है क्या वो 5 तत्व से मिलकर बना होता है। ओके तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फायर से आग हो गया और वाटर से पानी हो गया, एयर से क्या हो गया वायु हो गया, अर्थ अर्थात पृथ्वी से क्या हो गया मिट्टी हो गया और ठीक इसी प्रकार से इथर अर्थात इससे आकाश हो गया। ओके इसी प्रकार से आप लोगों ने जाना भी होगा कि जो हमारा बॉडी होता है वो भी क्या होता है 5 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ओके तो यही कंपोनेंट्स होता है अर्थात फायर वाटर एयर अर्थ एंड ईथर। ओके मैनी सेंचुरीज लेटर अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल 1627 to 1691 आल्सो डिड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू मैटर। ओके तो इसी प्रकार से बाद में जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे कौन? रॉबर्ट बॉयल। ओके तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या क्या पदार्थों के संबंध में बहुत सारे प्रयोग किए। ओके ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ही कंक्लूडेड दैट द 5 एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड बाय अरिस्टोटल वर नॉट एक्चुअली एलिमेंट्स। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु के द्वारा जो उल्लेखित 5 तत्व है उसको तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तत्व के डेफिनेशन में पढ़े थे कि तत्व क्या होता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व या एलिमेंट्स कहलाता था। ओके तो रॉबर्ट बॉयल के अनुसार क्या था? रॉबर्ट बॉयल का तर्क यह था कि जो अरिस्टोटल के द्वारा जो बताया गया जो 5 एलिमेंट्स थे फायर वाटर एयर अर्थ एवं ईथर इसको क्या तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो फायर होगी या फिर जो वाटर एयर अर्थ या फिर ईथर होगी क्या है एक ही परमाणु से मिलकर नहीं बना होता है। जैसे कि हम लोग वाटर की बात करें था पानी की बात करें तो पानी एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है क्या? नहीं। वो किसकी से मिलकर बना होता है? तो वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अर्थात इस प्रकार से भी अदर जो कंपोनेंट है वह भी क्या होता है अलग अलग क्या है तत्व से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इन 5 तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ओके इन 18th century अ फ्रेंच साइंटिस्ट लवाज़िएर डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ सबस्टेंस दैट कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लवाज़िएर के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। ओके फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज नॉट एन एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि उदाहरण के लिए जो वाटर होता है अर्थात जो पानी होता है क्या होता है वो उसको क्या होता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है, अर्थात जल है वह तत्व नहीं है क्योंकि वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स में क्या हो जाता है वह विभाजित हो जाता है। ओके लवाज़िएर प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 33 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स बट टुडे 180 एलिमेंट्स आर नोन। ओके तो लवाज़िएर ने रासायनिक तत्वों की प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई उसमें 33 तत्व थे। कितने थे? 33 तत्व थे, परंतु आधुनिक समय में 118 एलिमेंट्स अर्थात 118 तत्व ज्ञात है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली एक्सप्लोर सो मेनी एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके तो इतने सारे तत्व और उनके गुण धर्म को अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिन है। स्वाभाविक सी बात है इतना सारा एलिमेंट था 118 एलिमेंट था उसको क्या अलग अलग अध्ययन कर पाते हैं तो इसमें क्या बहुत ही लंबा समय लगता। साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन मैनी वेज सो दैट एलिमेंट्स कैन बी इजिली स्टडी। ओके तो इस प्रकार से इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए ताकि तत्वों का अध्ययन क्या है वह आसानी से किया जा सके। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Why arrange elements? अर्थात तत्वों को क्रम व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों है? ओके वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अरेंज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड यूज। हम अपने घर में विभिन्न वस्तुओं को क्या उनके गुण धर्मों तथा उपयोगिता के आधार पर अलग अलग रखते हैं। ओके
तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे कि व्हीकल हो गया, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गया या फिर बाइसाइकिल, उसको हम लोग बेडरूम या फिर किचन रूम में रखते हैं क्या? नहीं। ओके, तो उसको कहाँ रखते हैं? उसको उसके स्थान पर रखते हैं, उसको अलग स्थान पर रखते हैं। ओके ठीक। इसी प्रकार से क्या करते हैं, जितने भी जो वस्तु होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके गुण एवं उपयोगिता के आधार पर अलग अलग स्थान पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अवर होम्स वी कीप द क्लॉथ्स विच वी वियर इन वन प्लेस, अदर क्लॉथ्स सच एज बेडशीट पिलो कवर्स आर आल्सो केप्ट टुगेदर बट सेपरेट फ्रॉम द क्लॉथ्स वी वियर। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए पहनने के कपड़ों को अलग तथा बिछाने और ओढ़ने के कपड़ों को अलग अलग रखा जाता है। ओके, इवन इन द क्लॉथ्स दैट वी वियर वी कीप विंटर क्लॉथ्स सेपरेट फ्रॉम समर क्लॉथ। ठीक। इसी प्रकार से क्या होता है, जो ठंड में पहनने वाले कपड़ों को अलग और गर्मी में पहनने वाले कपड़ों को अलग रखता है। ओके, थिंक व्हेन यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड आस्क द शॉपकीपर फॉर एन आइटम, हाउ इज ही एबल टू लोकेट इट इजिली अमंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किराना दुकानदार से कोई भी हम लोग सामान मांगते हैं तो वह उसको आसानी से कैसे दे पाता है। ओके, तो उसका रीजन क्यों है, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन सा सामान किस स्थान पर उपस्थित है। इस वजह से क्या होता है, हम लोग किसी भी सामान को मांगते हैं तो वह हमको आसानी से दे पाता है। ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट सेव्स अ स्ट्रांग एंड एनर्जी। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होती है। दैट इज वाई साइंटिस्ट टू मेड मैनी अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। ओके, तो यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने के कई प्रयास किए। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा कि डीडीबी ऑलवेज क्लासिफाई सबस्टेंस इन दिस वे, अर्थात आज इन्हें जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया, क्या वर्गीकरण का स्वरूप पहले भी ऐसा ही था? तो हाँ। ओके, तो पुराने समय में भी क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है तत्व को उसके गुण धर्मों के आधार पर क्या अलग अलग व्यवस्थित करने का बहुत सारे प्रयास किए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इन क्लास नाइन्थ वी लर्न अबाउट एटोमिक नंबर, एटोमिक वेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कक्षा नवी में क्या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट अर्थात परमाणु भार, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन किए होंगे। ओके, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक वेट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात परमाणु संख्या, परमाणु भार एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या समझने का प्रयास करते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या। ओके, तो चलिए समझते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, कुछ भी एलिमेंट ले लिया। ओके, तो ये इसका क्या है, नाभिक है और ये क्या है, एक एलिमेंट है। ओके, तो जिसमें क्या हो रहा है, जो एटॉमिक है क्या अर्थात क्या कर रहा है यहाँ पर इसी था। ओके, तो चलिए समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये क्या है, एक परमाणु है। ओके, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या करता है, उस परमाणु की परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर कहलाता है। अर्थात ये परमाणु है, इसके नाभिक में जो उपस्थित जो प्रोटॉनों की जो संख्या होता है उसे कोई एटॉमिक नंबर कहता है। ओके, तो इस नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इस नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। कौन कौन से, तो होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, यह धनावेश होता है अर्थात धनावेश होता है, न्यूट्रॉन होता है यह न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है, एवं जो इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, जो इसका चक्कर को लगाता है तो यह इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो इसको ई माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ऋण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऋणावेश होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया, एटॉमिक वेट अर्थात परमाणु भार। तो परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक वेट कहता है। ओके, तो एटॉमिक वेट में किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को ही एटॉमिक वेट कहते हैं अर्थात परमाणु भार कहते हैं। ओके ठीक। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी अणु परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है। ओके,
तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने कोई एलिमेंट लिया है जैसे कि हीलियम, जो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, होता है 2। ओके, तो यहाँ पर चलिए इसका नाभिक हो गया और इसका जो फर्स्ट कोष हो गया। ओके, तो इसमें कितना एलिमेंट होता है 2। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहता है, तो किसी अणु परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की एक व्यवस्था है, तो इस इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखेगा, ओके, जो इलेक्ट्रॉन को टाने में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। ओके, तो इसको आप लोग याद रखेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, ईंट पर चढ़, क्या है, ईंट पर चढ़। ओके, तो इससे आप लोग याद रखेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, टसे थॉमसन अथवा जे जे थॉमसन ने किया। किसने किया, जे जे थॉमसन ने। ठीक, इसी प्रकार बस याद रखना प्रोटॉन, प्रोटॉन से का खोज किसने किया, रसे रदरफोर्ड। ओके, तो रसे रदरफोर्ड को याद रखना। ठीक, इसी प्रकार से चढ़, चढ़ से याद रखना चैडविक। ओके, तो चैडविक ने किसने आविष्कार किया, तो उसने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा, तो इसको आप लोग याद रखेगा, ईट पर चढ़। इसे इलेक्ट्रॉन ई का, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, टसे थॉमसन था जे जे थॉमसन ने। बस याद रखना प्रोटॉन, रसे रदरफोर्ड, अर्थात प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, और चढ़ से याद रखना चैडविक, अर्थात चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 1 अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक वेट। ओके, तो सारणी 1 में कुछ तत्व की परमाणु भार तथा परमाणु संख्या दिया गया, उन्हें फर्स्ट अर्थात ए। अरेंज द एलिमेंट्स इन टेबल 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ते हैं परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और रखा है अरेंज द एलिमेंट्स इन टेबल 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल 1 सारणी 1। ओके, तो जैसे कि हम लोग टेबल 1 में देख सकते हैं एलिमेंट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, एटॉमिक वेट एवं एटॉमिक नंबर, अर्थात तत्व परमाणु भार एवं परमाणु संख्या। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित है तत्व परमाणु भार एवं परमाणु संख्या। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग एलिमेंट देख सकते हैं सल्फर, लिथियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आर्गन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, फ्लोरीन एवं हीलियम। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित है बुरान, फास्फोरस, कैल्शियम, नियान, कार्बन, फ्लोरीन, सोडियम, सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एवं पोटेशियम। ओके, तो हमको क्या करना है, तो हमको क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले हमको एटॉमिक वेट एवं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर था बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो स्वाभाविक सी बात है जो उसका, जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक नंबर कम होगा उसको पहले लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1, तो ये आएगा 1, उसके पश्चात आएगा 4, उसके पश्चात 6.9, उसके पश्चात आएगा 9, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उसके पश्चात 9 के पश्चात कौन आएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 9 के पश्चात आएगा 16, 16 के पश्चात आएगा 19, 19 के पश्चात आएगा 27, 27 के पश्चात आएगा 28.0, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। ओके, उसके पश्चात आएगा 32.1 और अंत में आएगा 39.9। ओके, तो इसलिए इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। ठीक, इसी प्रकार चलिए हम लोग इसको एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सर्वप्रथम आएगा 1, उसके पश्चात आएगा 2, उसके पश्चात 3, उसके पश्चात आएगा 4। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 के पश्चात क्या आएगा, तो 4 के पश्चात आएगा 9। ओके, तो 9 के पश्चात आएगा 13, 13 के पश्चात कौन सा आएगा, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं 8 को भूल गया था। ओके, तो 1, 2, 3, 4 उसके पश्चात क्या आएगा, 8 आएगा, उसके पश्चात आएगा 9, 9 के पश्चात कौन आएगा, तो 9 के पश्चात आएगा 13, 13 के पश्चात 14 आएगा, 14 के पश्चात 16 और अंत में आएगा 18। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एटॉमिक वेट एवं एटॉमिक नंबर के क्रम में व्यवस्थित किया। ओके, डिड यू गेट द सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द केसेस। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या
ए एवं बी के अनुसार व्यवस्थित तत्वों का क्रम एक समान है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो हाँ, ए एवं बी के अनुसार क्या व्यवस्थित तत्वों का क्रम एक समान है। ओके, सो द सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ दी केसेस, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एटोमिक वेट एक किसका तो वह हाइड्रोजन का है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर एक किसका होता है तो वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर फोर प्रदर्शित है, अथवा जो एटॉमिक वेट फोर किसका होता है तो हीलियम का होता है, ठीक। इसी प्रकार से एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, हीलियम का दो होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि द सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ दी गैसेस। ओके, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो हाइड्रोजन आएगा, उसके पश्चात हीलियम, उसके पश्चात आएगा थर्ड लिथियम। ओके, तो लिथियम के पश्चात क्या आएगा, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बेरिलियम आएगा। ओके, बेरिलियम के पश्चात क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पश्चात और कौन आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के पश्चात आएगा नियान। ओके सॉरी, यहाँ पर नियान नहीं दिया गया है। फ्लोरीन के पश्चात क्या आएगा, थर्टीन, थर्टीन एलिमेंट किसका होता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थर्टीन किसका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं थर्टीन एल्यूमिनियम का होता है। तो चलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम को डिनोट करते हैं। उसके पश्चात होगा सिलिकॉन, उसके पश्चात कौन आएगा, वो होगा सल्फर, उसके पश्चात अंत में है 39.9 आर्गन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक वेट एवं एटॉमिक नंबर का जो क्या करते हैं हम लोग, जो ऑर्डर है वह सेम है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से क्या है आप लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो एलिमेंट दिया गया उसको एटॉमिक वेट एवं एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक, इसी प्रकार से आप लोग अरेंज कीजिएगा। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन रहा इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। ओके, तो चलिए इन तत्वों के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो किसी अणु परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर के बारे में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि किसी भी, चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, तो जैसे कि यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसका जो सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया और ये फोर्थ सेल हो गया। ओके, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो फर्स्ट सेल होता है इसको की के द्वारा दर्शाया जाता है, सेकेंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और जो राउंड दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहते था, ऑर्बिट भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं एवं एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2n² क्या होता है, 2n², यहाँ पर n क्या होता है, तो यह कक्षों की संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं n इक्वल कितने संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात यही क्या होता है, अर्थात कक्षों की संख्या होता है। चलिए हम लोग पहले सेल के लिए याद करते हैं कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 1² इक्वल हमको कितना प्राप्त होगा, 2, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड के लिए निकालते हैं तो क्या होगा, सेकेंड के लिए 8 आएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं के लिए 2 आएगा, एल के लिए क्या होगा, 8 आएगा, एम के लिए कितना आएगा, तो इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें 18 आएगा। परंतु बोर बंडली नियम के अनुसार क्या है, जो बाहरतरण कक्ष था, जो बाहर कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह 8 से अधिक नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक। इसी प्रकार जो चौथी कोश होता है, अर्थात जो फोर्थ कोश होता है, एम में क्या होता है, 32 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या होता है, कुछ मॉडिफाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी 32 इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो मेरे लिए आप लोग थीन कोश के बारे में याद रखना, जो फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड कोश में 8 इलेक्ट्रॉन एवं थर्ड कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, के एल एवं एम। ओके, तो यहाँ तीनों तक आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग इसके नाम को याद रख सकते हैं, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, तो के को मुखी क्वांटम संख्या कहते हैं, एल को द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम को चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं एन को चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, अर्थात इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए। ओके, तो चलिए हम लोग इसके तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर दिया गया 1। ओके, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ये इसका नाभिक हो गया और ये इसमें कितना आएगा, फर्स्ट सेल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो परमाणु की संख्या है अर्थात एटॉमिक नंबर की संख्या कितना है, केवल 1 ही है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। चलिए सभी के लिए मैं एक ही में बना रहा हूँ,
ओके, तो ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड में कौन सा है, सेकेंड में है हीलियम, तो हीलियम के लिए दो इलेक्ट्रॉन लगता है। ओके तो फर्स्ट सेल क्या होगा, कंप्लीट होगा। चलिए सेकेंड सेल में लेते हैं। ओके तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके तो चलिए सेकेंड सेल में देखते हैं कि सेकेंड उसके पश्चात क्या है, लिथियम है। लिथियम का जो परमाणु संख्या कितना है, तीन है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसके पश्चात चार है। ओके तो चार कितना है, आई मीन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आएगा। फोर्थ में कौन है, तो वह बेरिलियम है। ओके तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, चार। तो इस प्रकार से चार इलेक्ट्रॉन है। ओके तो चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी प्रकार से बेरिलियम के पास साथ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, आठ। तो दो पहले से दो दो चार, तो चार बनाते वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अर्थात ये किसका हो गया, ऑक्सीजन। इसी प्रकार से फ्लोरिन के लिए बनाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन के लिए। इसी प्रकार से हम लोग एल्यूमिनियम के लिए बनाते हैं, एल्यूमिनियम का कितना होता है, थर्टीन। तो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और दो दस हो गया, बचा कितना, तीन। तो चलिए तीन को हम लोग इसमें रखते हैं थर्ड सेल में। तो ये हो गया एल्यूमिनियम के लिए वन टू और थ्री सेल। ओके इसी प्रकार होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है, फोर्टीन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से सल्फर, सल्फर का सिस्टम होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे, वन टू। और आर्गन, आर्गन का कितना होता है, अठारह, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दो और इंक्रीज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट सेल में कितना दो इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड में कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग थर्ड सेल में देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके इसके साथ आप लोग याद रखेगा कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके नाम भी लिखना। ओके तो ये किसका है, जैसे कि यहाँ पर 18 क्या है इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, किसका होता है, आर्गन का। तो यहाँ पर आर्गन करके लिख सकते हैं, आर्गन 18 एलिमेंट, या फिर 18 आर्गन, इस प्रकार से आप लोग इसको डिनोट कर लेते हैं, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके तो आप लोग इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके तो इस प्रकार से हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। ओके कैन वी ग्रुप द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकते हैं, तो हाँ इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकते हैं। So yes, that we group the group the elements based on the electronic configuration. How so? Let's understand that. जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट जो समूह के बारे में बताया था कि जो ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट के नाम क्या होता है, तो जैसे कि ग्रुप फर्स्ट में जैसे बताया था हाइड्रोजन के बारे में बताया था लिथियम एवं सोडियम, जिसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है एक, लिथियम का होता है तीन, एवं जो सोडियम का होता है वह 11 होता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका जो बाहत अंक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो हाइड्रोजन के एक कोश होगा तो एक इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से लिथियम के लिए देखेंगे तो इसके फर्स्ट कोश में दो आएगा और सेकेंड कोश में एक इलेक्ट्रॉन। एक इसी प्रकार से हम सोडियम के लिए बनाते हैं तो इसका नाभिक हो गया ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एवं थर्ड सेल। ओके तो जिसके फर्स्ट सेल में कितना आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एवं जो थर्ड सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो सभी एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हुआ, अर्थात एक एक इसके बाहर उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकता है। ओके और ये सभी क्या होता है, सभी एक ग्रुप के एलिमेंट होता था, ग्रुप ए के एलिमेंट होते हैं। इस प्रकार से इसके गुणों में भी क्या होता है, समानता होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। By now, you must have realized why we try to arrange and organize elements and that there can be more than arrangement. Okay, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि तत्वों को व्यवस्थित क्यों करते हैं तथा व्यवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं। ओके तो इसको अरेंजमेंट क्यों करते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा ताकि हम लोग किसी भी जो एलिमेंट्स है उसमें क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से उसके बारे में जान सके, ताकि हमारी एनर्जी एवं टाइम अर्थात ऊर्जा एवं समय दोनों की बचत हो। ओके Let us try to understand the attempts made by some scientists in the past to classify elements.
आइए पूर्व अर्थात प्राचीन समय में रसायनज्ञों द्वारा किए गए प्रयासों को हम लोग समझेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।